तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और राम भजन शेयर किया है और अब सिंगर जुबिन नौटियाल और पायल देव का जो राम भजन है वो प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, शेयर किया उसको। ये जो भजन है वो मनोज मुंतशिर ने लिखा है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। रामलला की भक्ति से ओतप्रोत जुबिन नौटियाल जी, पायल देव जी और मनोज मुंतशिर जी का ये भजन दिल को छू लेने वाला है। तो पहले तो जुबिन जी से ये जानते हैं कि महसूस क्या किया आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके गाए भजन को शेयर कर दिया, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? देखिए, सिर्फ मैं क्या, पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से आइडियलाइज करता है, प्रेरित है। और इतने बड़े लीडर जिनका डंका पूरे देश विदेश में चलता है, उन्होंने अगर एक आर्टिस्ट, मेरे जैसे छोटे आर्टिस्ट का एक गाना शेयर करके उसको वो करा है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी देता है, मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे गाने बनाने के लिए आगे श्रद्धा देता है। आपको कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है आपका गाया हुआ भजन? आपने खुद देखा या किसी ने फ़ोन करके जानकारी दी? मुझे नहीं, बिल्कुल अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा ऐसा एक ट्वीट आएगा। और देखिए, तो लोकप्रियता है हमारे प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने एक ट्वीट करते ही पूरे देश की मीडिया के फ़ोन बजने लगे, अपने घर परिवार के फ़ोन बजने लगे और जितने मेरे संगीत के लोग हैं सबके फ़ोन बजने लगे, सबने बोला, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। तब मुझे पता लगा कि मोदी जी ने गाने को पसंद करा है। तो बधाई का सिलसिला जब शुरू हुआ आपके साथ, तब आपको पता चला ये? जी जी जी, जरा गुनगुनाइए ना ये भजन एक बार, एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बहुत बढ़िया, मजा आज आ गया। जुबिन जी, मुझे ये बताइए कि जब इस भजन की आप लोग तैयारी कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तब सोचा था कि इतना लोकप्रिय हो जाएगा? देखिए, एक वक्त था, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो भजन की एक लहर चली है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पूरी टीम का है जिन्होंने मेरे साथ इतने सारे भजनों पे काम करा है। मैं नाम लेना चाहूँगा पायल देव जी का, मनोज मुंतशिर जी का और भूषण कुमार जी का, टी सीरीज़ का, जिन्होंने गुलशन कुमार जी के बाद अब एक ऐसी भक्ति की लहर चली है पूरे देश में। सही। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस लहर का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। जुबिन जी, देखिए, माहौल पूरी तरीके से राममय है। 550 सालों के इंतजार के बाद देश को भव्य दिव्य राम मंदिर मिलने वाला है। मुझे लगता है इस मौके को और खास आपको अपनी आवाज के जरिए बनाना चाहिए। कुछ और भजन आपकी आवाज में जो आपके मन के करीब हो, वो गुनगुनाइए प्लीज। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ना
सुरीला कहूँ, इतना मन को शांत करने वाला कहूँ, इतना मधुर कहूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मुझे मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से कहा जा रहा है कि सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, आप कहिए जुबिन जी को कि एक दो भजन और वो गुनगुना दें। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रस्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, इस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। जी धन्यवाद। तो देव भूमि में जन्मे आप, वहाँ की घुट्टी का ही असर लग रहा है कि गले में इतनी मधुरता है, और ऐसे में भगवान शिव के लिए भी कोई एक भजन। भगवान शिव के लिए एक मैंने बीच में भजन गाया था, भजन का नाम है मेरे बाबा। और ये भजन भी सेम टीम ने बनाया है जिन्होंने ये क्या बोलते हैं मेरे घर राम बनाया है, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं बनाया। उस भजन की दो लाइनें आप लोग के लिए गाना चाहूँगा, दिखाइए। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा, कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास, तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण, मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा, ओ मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। धन्यवाद। क्या बात है जुबिन जी। नहीं 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 नहीं, मेरा फेवरेट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, वो मैं जरूर आपसे सुनूंगी। लेकिन 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 उससे पहले तो आपने अभी तक जो भजन गुनगुनाए हैं वो सब आपकी टीम के बनाए हुए, पहले ये बताइए आपका पसंदीदा भजन बचपन में कौन सा रहा किसी और गायक का? देखिए मुझे बचपन में गुलशन कुमार जी का भजन मैं बालक तू माता बहुत पसंद था, और बचपन में मतलब लिटरली हम लोग उसको सुन के बड़े हुए हैं। आगे जाके मुझे उस भजन को गाने का भी मौका मिला तो उसके लिए मैं बहुत गर्वित फील करता हूँ। वो गुनगुनाइए ना। तो हाँ जी, वो भजन मेरा काफ़ी फेवरेट रहा है। जगराता तेरी लगन में, तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरा वाली है टूटिए नाता शेरा वालिए, मैं बालक तू माता शेरा वालिए है टूटिए नाता शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ पहाड़ा वालिए माँ जोता वालिए माँ
मेहरावाली है माँ, मैं बालक तू माता शेरावाली है। धन्यवाद। और अब मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बहुत सारे भजन आपने तो पूरा कॉन्सर्ट करवा दिया मुझसे, क्या बात। चलिए दो लाइन। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल ही तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी है, काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा, पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। चलते चलते दर्शकों को ये तो बता दीजिए 22 जनवरी 2024 को जुबिन नौटियाल क्या करने वाले हैं। देखिए 22 जनवरी 2024 को अगर मैं मुझे मौका मिला अयोध्या जाने का, अगर मेरा बुलावा आया तो मैं ज़रूर अयोध्या में रहूँगा, आप सबके बीच में रहूँगा और भगवान राम की भक्ति में लीन रहूँगा, साधु संतों से आशीर्वाद लूँगा, और अगर नहीं भी बुलावा आया तो भी मैं आप लोग के साथ रहूँगा, मेरी आवाज़ आपके साथ रहेगी, और हर तरह से भजन कीर्तन का जो माहौल देश में आया है इसको हम जितने भी कलाकार हैं हम पूरी जोरों शोरों से और फुल उल्लास से हम लोग इसको मनाएंगे। किसी नए भजन पर काम कर रहे हैं खास तौर से 22 जनवरी के लिए? बहुत सही चीज़ पूछी आपने, मतलब कल रात बहुत लेट हो गई, सुबह के मतलब 4 बजे मैंने कल एक गाना रिकॉर्ड करा है और कोशिश करूँगा कि अगले 4-5 दिन के अंदर उस गाने को रिलीज़ करें। ये गाना भी एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए के उसी गाने का जी। नहीं नहीं मैं मेरे लिए गाना रिलीज़ हो जाएगा, मतलब आप लोग का इतना बड़ा चैनल है, इतने सारे लोग हैं, तो मुझे थोड़ा मौका दीजिए, 4 दिन का गाना तैयार करके रिलीज करता हूँ, फिर मैं आपसे वार्तालाप करूँगा। चलिए ठीक है, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ तो दी, बस मैं ब्रेक ही लेना चाहती हूँ, आपकी आवाज़ के साथ ही मैं दर्शकों को छोड़े जाना चाहती हूँ, तो इसलिए एक बार फिर से मेरे घर राम आए, मेरी गुजारिश है आपसे। श्री कृष्ण जी मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।